बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जॉब्स ऑफ द डे चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको NTS, PTS, FPS, PPSC उसके अलावा जो भी टेस्ट हैं उनमें रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं मैं उनके मुताबिक आपको बताऊंगा। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जाने। तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं पाकिस्तान अफेयर सॉल्व्ड MCQs, पाकिस्तान के तमाम अफेयर हैं जो रिपीट हुए हैं तमाम टेस्ट में। तो बढ़ते हैं पहले MCQs की जाने। तो व्हेन डिड कायद आजम टेक ओथ एज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। गवर्नर जनरल के तौर पर कायद आजम ने कब हलफ उठाया? आप देख सकते हैं इसका जवाब है 15 अगस्त 1947। इसी तरह दोस्तों, नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, आंसर है इसका। इसी तरह नेक्स्ट है कलेक्टिवली हाउ मैनी गवर्नर जनरल रूल्ड ओवर पाकिस्तान। पाकिस्तान के कितने गवर्नर जनरल हैं? 4 इसका आंसर है। उसके बाद है व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन का हिस्सा कब बना? आंसर है 13 सितंबर 1947। उसके बाद है विच कंट्री अपोज्ड पाकिस्तान्स मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन। पाकिस्तान की किस मुल्क ने मुखालफत की? आंसर है इसका अफगानिस्तान। उसके बाद है हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का इसका आंसर है सिकंदर मिर्जा। उसके बाद है विच कंट्री वाज पेड एन ऑफिशियल विजिट बाय द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन 1950। किस प्राइम मिनिस्टर ने 1950 में पाकिस्तान का विजिट किया? इसका आंसर है अमेरिका। उसके बाद है विच कंट्री एक्सेप्टेड पाकिस्तान फर्स्ट। पाकिस्तान को पहले किस मुल्क ने एक्सेप्ट किया? उसका जवाब है ईरान। उसके बाद है व्हेन लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड। लियाकत अली खान को कब कत्ल किया गया? 16 अक्टूबर 1951। उसके बाद है हु बिकेम सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के सेकंड प्राइम मिनिस्टर का आंसर है ख्वाजा नाजिमुद्दीन। उसके बाद है व्हेन कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना वाज डाइड। कायदे आजम ने कब वफात पाई? 11 सितंबर 1948 में। उसके बाद है हु बिकम सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल वो है ख्वाजा नाजिमुद्दीन। नेक्स्ट है फॉर हाउ मच रुपीज रंजीत सिंह सोल्ड द कश्मीर। रंजीत सिंह ने कितने पैसों के लिए कश्मीर को बेचा? आंसर है 75 लाख। उसके बाद है व्हेन इंडिया एज ग्रेव्ड पार्टी अपेयर्ड बिफोर द सिक्योरिटी काउंसिल। सलामती काउंसिल में इंडिया ने कब शमूलियत इख्तियार की? इसका आंसर है अप्रैल 1948। उसके बाद है विच हेडवर्क्स ऑफ कैनाल्स इरिगेटिंग पाकिस्तानी एरियाज वर अनलॉफुली गिवन टू इंडिया। के कौन से हेडवर्क पाकिस्तान के इंडिया को नाइंसाफी से दिए गए? वो थे माधोपुर और फैरोजपुर। इसका जवाब है बोथ ऑफ देम। उसके बाद है व्हेन इंडिया कट ऑफ पाकिस्तान्स वाटर सप्लाई विदाउट नोटिस। इंडिया ने बगैर नोटिस के पाकिस्तान का पानी कब काटा? इसका आंसर है अप्रैल 1948। उसके बाद है इन विच ईयर ए फॉर्मल ट्रीटी ऑफ वाटर वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी का मुआहदा कब हुआ? 1960। इसी तरह है अंडर हूज ऑस्पिसेस वाटर ट्रीटी वाज साइंड। पानी का मुआहदा कब हुआ? उसके बाद है व्हाट डू वी कॉल द वाटर ट्रीटी साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी का मुआहदा हुआ उसे क्या कहते हैं? इंडस बेसिन ट्रीटी। उसके बाद है अमंग द फॉलोइंग विच पैक्ट विद इंडिया वाज साइंड बाय मिस्टर लियाकत अली खान। इंडिया और लियाकत अली खान के दरमियान कौन सा मुआहदा हुआ? इसका आंसर है लियाकत नेहरू पैक्ट। उसके बाद है आफ्टर द वार ऑफ 1965 विच पैक्ट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। 1965 की जंग के बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कौन सा मुआहदा हुआ? ताशकंद पैक्ट। उसके बाद है इंडिया मेड अ कॉर्डली अटैक ऑन लाहौर विच रिजल्टेड एज वार बिटवीन टू कंट्रीज देन दिस वार ब्रोक आउट। जब इंडिया ने लाहौर पर हमला किया इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, उसकी डेट क्या है? 6 सितंबर 1965। उसके बाद है हु कॉल्ड अपॉन इंडियन एंड पाकिस्तानी लीडर टू साइन द पैक्ट। के इंडिया और पाकिस्तान के रहनुमाओं के दरमियान किसने मुआहदा करवाया? हेनरी कोसिगिन। नेक्स्ट है फ्रॉम इंडिया हु पार्टिसिपेटेड द तशकंद डिक्लेरेशन। इंडिया की तरफ से तशकंद मुआहदे में किसने शमूलियत इख्तियार की? मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट है हु रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन तशकंद मीटिंग। पाकिस्तान की तरफ से तशकंद मुआहदे में किसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया? इसका आंसर है जनरल अयूब खान। उसके बाद है व्हेन तशकंद एग्रीमेंट वाज साइंड। के जो तशकंद का मुआहदा कब साइन हुआ? जनवरी 1966। इसके बाद है हु पार्टिसिपेटेड तशकंद पैक्ट एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसका आंसर है मिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो। उसके बाद है विच पॉलिटिकल पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मिस्टर भुट्टो। मिस्टर भुट्टो ने कौन सी पार्टी बनाई? वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उसके बाद है व्हेन पीपल पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड। पीपल पार्टी कब बनी? दिसंबर 1966
67 में। नेक्स्ट है व्हाट वाज स्लोगन ऑफ पीपीपी, के पीपल पार्टी का क्या नारा था, वो है रोटी कपड़ा और मकान। उसके बाद है व्हेन जनरल अयूब खान रिजाइन फ्रॉम हिज प्रेसिडेंटशिप, के जनरल अयूब खान ने प्रेसिडेंट से कब इस्तीफा दिया, तो इसका आंसर है 25 मार्च 1969। उसके बाद है हु बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर अयूब खान, के पाकिस्तान का अयूब खान के बाद कौन प्रेसिडेंट बना, इसका आंसर है जनरल यहिया खान। इसी तरह है इन विच ईयर जनरल यहिया हैड जनरल इलेक्शन इन द कंट्री, जनरल यहिया ने इलेक्शन कब करवाए, 1970 में। नेक्स्ट है इन इलेक्शन हु सिक्योर्ड विक्ट्री इन ईस्ट पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान में कौन सी नई पार्टी बनी, अवामी लीग। उसके बाद है इन वेस्ट पाकिस्तान हु हैड द ड्राइविंग सीट आफ्टर इलेक्शन, मशरकी पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद किसके पास ड्राइविंग सीट्स थी, वो थी पीपल्स पार्टी के पास। उसके बाद है विच इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1971 विच प्रोवाइडेड इंडिया चांस टू अटैक ऑन पाकिस्तान, के 1971 में कौन सा ऐसा वाक्य हुआ जिसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया, वो था इंडियन ड्रामा ऑफ हाईजैकिंग देयर ओन प्लेन। उसके बाद है व्हाट वाज द नेम ऑफ द इंडिया प्लेन दैट वाज हाईजैक्ड, के इंडिया का कौन सा प्यारा अगवा हुआ, वो था गंगा। उसके बाद है व्हेन इंडिया लॉन्च्ड वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने कब जंग की, इसका आंसर है 21 नवंबर 1971। नेक्स्ट है विच मूवमेंट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान आल्सो सपोर्टेड इंडिया इन वॉर ऑफ 1971, के मगरबी पाकिस्तान कौन सी तहरीक ने इंडिया को सपोर्ट किया 1971 में, वो है मुक्ति वाहिनी ने। उसके बाद है व्हेन ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान से कब अलहदा हुआ, 16 दिसंबर 1971 में। तो दोस्तों ये तमाम टेस्ट हैं जो NTS है PTS है इस तरह के और भी टेस्ट हैं, उनमें रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत ही अहम है आपके लिए भी और आपके दोस्तों के लिए भी। इसी तरह इसको आप शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ और आप खुद भी इन्हें देखें अच्छी तरह समझें ताकि आप टेस्ट में मुकम्मल कामयाबी हासिल कर सकें। तो इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।